नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज की सुबह की और स्पेशल वीडियो में बात करेंगे हम यूपी चुनाव 2022 के बारे में। यूपी चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा मजबूत और काफ़ी ज़्यादा बड़ी रणनीति बना ली है और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा षड्यंत्र भी रच रखा है। वो आपको पता है वो किसके लिए रच रखा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आखिर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने यूपी चुनाव 2022 जीतने के लिए क्या कुछ बड़ी रणनीति, क्या कुछ बड़ा रण तैयार कर लिया है। अब बने रहिए इस वीडियो में, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर। आइए हम आपको सभी खबरें विस्तार से समझाते, एक नहीं बल्कि तमाम बड़ी खबरें यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई हम आपको विस्तार से समझाएंगे। एक काफ़ी ज़्यादा बड़े किसान नेता का भी बड़ा बयान आया यूपी चुनाव 2022 पर, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला सुनाया। साथ ही हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी के बारे में। बहुजन समाज पार्टी अब यूपी चुनाव 2022 को लेकर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रही है। यूपी चुनाव 2022 को जीतने के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े हथकंडे भी अपना रही है बहुजन समाज पार्टी। जो हो पा रहा है वो बहुजन समाज पार्टी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जो भी निर्देश दिए थे उन निर्देशों का पालन बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ता पदाधिकारी भी करना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आप सभी को पता ही है, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने साफ निर्देश दे दिए थे कि बूथ स्तर पर कैडराइज यानी कैडर कैंप किया जाए और लोगों को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जाए और बहुजन समाज पार्टी से जो वोट बैंक अलग छिटकता जा रहा है उसको भी पास लाया जाए, उसको समझाया जाए और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत किया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रणनीति बहुजन समाज पार्टी चुप ही चुप बना रही है। यानी मायावती जी काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बयान आए दिन नहीं दे रही हैं, पर उनकी रणनीति काफ़ी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है क्योंकि उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। और अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा कदम भी उठा लिया है। जैसा कि हम आपको बताने की कोशिश करें, लगातार बहुजन समाज पार्टी से बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को, दिग्गज नेताओं को पार्टी से बाहर निकाला जा रहा था, पर साथियों अब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती ने ये फैसला बदलकर जो निस्वार्थ तरीके से बहुजन समाज पार्टी के ये काम करना चाहते थे, जो बहुजन समाज पार्टी के भरोसे बैठे थे, किसी भी पार्टी में नहीं गए थे, अब उन नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में वापस भी लिया जा रहा है। तो साथियों इस बड़े फैसले के बारे में आप अपनी कमेंट में राय दे देना। साथियों यही इसी पथ पर यानी बहुजन समाज पार्टी का और समाजवादी पार्टी का जो भी फैसला आ रहा है वो लगभग मिलता जुलता ही आ रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी सेम टू सेम यानी मिलती जुलती रणनीति बना रही हैं। तो साथियों इससे क्या प्रभाव पड़ेगा क्या नहीं वो हम आपको आगे बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर किसान नेता राजीव गेत ने दिया है काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान। साथियों किसान नेता जो नरेश टिकेत ने, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने बोला है, नरेश टिकेत ने कहा है कि किसान अब 2022 के चुनाव में भी सोच समझकर फैसला लेंगे, आंदोलन जारी रहेगा और गाजीपुर बॉर्डर पर 26 जून को होने वाली किसान महापंचायत में आगे की रणनीति बनाई जाएगी। यानी कि नरेश टिकेत जी ने बोल दिया है कि यूपी चुनाव 2022 को ध्यान में रखते हुए हम काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर फैसला लेंगे किसकी सरकार बनवानी है किसकी सरकार नहीं। पर साथ में इस बीच हम आपको एक बात स्पष्ट कर देते हैं, जो किसान हैं, बड़े बड़े किसान नेता हैं, किसान व्यक्ति हैं, जो भी किसान आंदोलन में डटे हुए, उनकी तरफ से सबसे ज़्यादा जो तारीफें निकल कर आ रही हैं वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बहुजन समाज पार्टी के लिए निकल कर आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकेत ने मेरठ से दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर के लिए किसान ट्रैक्टर रैली का शुरुआत करते हुए कहा कि किसान कृषि कानूनों को लेकर अपनी मांग माने जाने तक घर वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि अब 2022 के चुनाव में भी सोच समझकर फैसला होगा और आगे बोला, मेरठ के सिविया टोल प्लाजे से किसान ट्रैक्टर यात्रा के दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर रवाना होने से पहले किसानों को संबोधित करते हुए टिकेत ने कहा, किसान अपनी मांगें माने जाने तक घर वापसी को तैयार नहीं है। कृषि कानूनों की वापसी के लिए किसानों ने करो या मरो का संकल्प लिया है और किसान कृषि कानूनों को वापस करा कर ही रहेंगे। यानी कि नरेश टिकेत ने साफ कर दिया है, हम जो काले जो कानून हैं, जो तीनों कानून उनको वापस करा कर रहेंगे, चुनाव 2022 में काफ़ी ज़्यादा सोच समझकर फैसला लेंगे। ये सब नरेश टिकेत ने बयानबाजी दी है।
इस बयानबाजी पर आप अपनी कमेंट में राय देना। अब देखने को ये हुआ किस पार्टी की तरफ ये रुख करते हैं, समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी, आप इस बारे में कमेंट में राय देना। आपको क्या लगता है किसान किसकी तरफ जाएंगे, कमेंट में राय देना। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बारे में। समाजवादी पार्टी के मुखिया जो कि यूपी चुनाव को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी रणनीति बना रखी है। यूपी चुनाव पुराने और भरोसेमंद नेताओं को अपने पाले में लाने में जुटी है समाजवादी पार्टी। ये है रणनीति, यानी कि समाजवादी पार्टी भी अब पुराने नेताओं को अपने पाले में लाने में जुट चुकी है। जैसे कि बहुजन समाज पार्टी भी जुटी है, ऐसे ही समाजवादी पार्टी भी जुट चुकी है। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी परिवार में जो संग्राम हुआ उसका खामियाजा सपा को सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा। यानी कि 2017 में जिस तरीके से परिवार से विखंडन हुआ था, परिवार से समाजवादी पार्टी अलग हुई थी, अखिलेश यादव अलग हुए थे, उसका खामियाजा जो 2017 में उनको चुकाना पड़ा सत्ता से बेदखल होके। अब ये गलती दोबारा नहीं करेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने काफ़ी ज़्यादा बड़ा फैसला लिया है 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले। अखिलेश यादव उस गलती को दोहराने नहीं चाह रहे हैं, यानी जो गलती 2017 से पहले की थी परिवार का साथ न लेकर, अब उस गलती को नहीं दोहराएंगे समाजवादी पार्टी के मुखिया। समाजवादी पार्टी मुखिया ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि जो भी भरोसेमंद नेता हैं बहुजन, जो समाजवादी पार्टी को मजबूती देना चाहते हैं, अब उनको वापस ले लिया जाएगा। जो भी नेता निकले गए थे और परिवार से भी काफ़ी ज़्यादा बातचीत चल रही है उनकी, काफ़ी ज़्यादा परिवार की तरफ भी वो रुख कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है किस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया यूपी चुनाव 2022 में उतरेंगे, क्या परिवार को साथ लेना चाहिए या नहीं? यानी अगर उन्होंने 2017 में परिवार को साथ नहीं लिया था, उसका खामियाजा आपको पता है, सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा था समाजवादी पार्टी के मुखिया को। तो साथियों यही थी तमाम बड़ी खबरें यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई। हम आपको बताने की कोशिश करें जो भी फैसले आ रहे हैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के, मिलते जुलते फैसले लग रहे हैं हमको। आपको क्या लगता है, और यूपी चुनाव 2022 से पहले काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े बदलाव भी हो सकते हैं। आप ये ना सोचें कि ये पार्टियां अभी वर्तमान के समय में अलग हैं। तो साथियों कुछ भी हो सकता है, ये राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति काफ़ी ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा बड़ी महत्वपूर्ण यूपी चुनाव 2022 होने वाला है। काफ़ी ज़्यादा सियासी हलचल तेज़ भी हो चुकी है वर्तमान के समय में। तो साथियों ये थी सबसे बड़ी खबरें, हमने आपको विस्तार पूर्वक समझाई। इन सभी खबरों के बारे में आप अपनी कमेंट में राय दे देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दूसरी घंटी को बस दबा लेना, जिससे कि यूपी चुनाव 2022 से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपके पास पहुँचती रहें। इससे साफ स्पष्ट होता है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा षड्यंत्र रच लिया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मैं विशाल कुमार, फिर मिलते हैं बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम।